हेलो डियर, तो एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सभी को। तो आपके सामने में दिख रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वीडियो नंबर 1। मींस कहने का मतलब है कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आपको बायोसाइंस पहला, बिहेवियर साइंस दूसरा, फंडामेंटल तीसरा, एंड चौथा और आखिरी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है। यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और ऐसे ही जो है कंटिन्यू एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, जो है ऐसे ही जो है सब्जेक्ट आपको हर एक सप्ताह में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, रेगुलर देखने को मिलेगा। बाकी का जो बचेगा हमारे पास, क्योंकि थर्सडे तक अगर रेगुलर करेंगे तो थर्सडे तक 4 सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो सप्ताह में 2 दिन समय बचेगा उसमें हम लोग कुछ और करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे या जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो जल्दी भी हो जाएगा, समझ गए। चलिए, बाकी इन सब का अगर PDF आप देखना चाहते हैं तो nursingjnan.com पर PDF मिल जाएगा, ओके। चलिए, अब यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आगे लाइफ में कुछ बेहतर करना है, तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप आगे कंपटीशन में आपके लिए आसान होगा। वरना आपको वही होगा, फिर से पढ़ना होगा, फिर से मेहनत करना होगा कंपटीशन में भी, ठीक है। चलिए, आज का प्रश्न अपन यहाँ पे है, देख लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य लिखिए। हम लोग कोई भी प्रश्न देखते हैं तो शुरू से देखते हैं ताकि आपको समझ में आए, चूँकि कम्युनिटी हेल्थ है इसमें नर्सिंग लगा है तो इनके बारे में पहले हमको समझना होगा। तो पहले हम कम्युनिटी हेल्थ के बारे में समझेंगे, ठीक है, यानी डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है परिभाषित करना है और इनके पर्पज बताना है कि आखिर सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है, इसके लिए ये क्यों है, या सामुदायिक स्वास्थ्य क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है। तो चलिए इस चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य के परिभाषा मैं डिफिनीशन वाला में भी पढ़ा चुका हूं, तो जो लोग वहां पे पढ़े होंगे उनको पता है कि ये क्या होता है। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य है क्या, देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मतलब WHO जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जो पूरे हेल्थ के बारे में डाटा अपना सही करता है, हेल्थ के क्षेत्र में भूमिका निभाता है, तो WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य की स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, समस्या एवं समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है, ठीक है। WHO ने सीधा कहा कि कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी मतलब समझते हैं समुदाय, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, समुदाय। अब जब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे भी तो स्वास्थ्य की स्थिति होगी कुछ ना कुछ, तो उस समुदाय, सामुदायिक स्वास्थ्य से मतलब है, यानी तात्पर्य है कि समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, मतलब समुदाय के जो सदस्य है उनके स्वास्थ्य की स्थिति, तथा उनके स्वास्थ्य को कौन ऐसे कारक है जो प्रभावित करता है, मीन्स उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले समस्या जो उनके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालते हैं, एवं समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति जो देखभाल की समग्रता है उसको जो है हम लोग भी सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है, यानी समुदाय में लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, उनके प्रभावित करने वाला स्वास्थ्य की समस्या और समुदाय में उपस्थित उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। बातें को समझ गए, तो ये WHO ने कहा, लेकिन इसी को दूसरे वर्ड में अर्थात करके बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य एक प्रिवेंटिव मतलब होता है निरोधात्मक, बचाव करने वाला, ठीक है, रोकथाम करने वाला, उपचारात्मक, क्यूरेटिव, उपचार करने वाला, स्वास्थ्यवर्धक, प्रोमोटिव, मतलब स्वास्थ्य को प्रमोट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, उत्तम करने वाला सेवाओं का एकीकरण है। अगर आपको ये भी आसान है, ठीक है, और ये भी आसान है, दोनों में से कोई भी याद रहे, तो सामुदायिक स्वास्थ्य निरोधात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, स्वास्थ्यवर्धक सेवाओं का एकीकरण है। इन तीनों सेवाओं का जब एकीकरण होता है, मिल जाता है सेवा, ये तो यही सामुदायिक स्वास्थ्य बन जाता है। बात समझ गए, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य में निरोधात्मक, क्यूरेटिव और स्वास्थ्यवर्धक तीनों सेवाएं दिए जाते हैं, इसी का एकीकरण सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है, ओके। चलिए आगे, ठीक है,
अच्छे से समझिएगा। अब जिनको मान गए पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, किन्हीं को इंग्लिश में पढ़ना है, तो उनके लिए मैंने यहाँ व्यवस्था कर दिया है, इंग्लिश में आप पढ़िए, ठीक है। आपके लिए पीडीएफ इंग्लिश में भी रहेगा इसमें, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा गया था कि सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ के क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, मतलब ये जो कम्युनिटी हेल्थ है, समुदाय में जो स्वास्थ्य है, ये क्यों है, आखिर इसके क्या कारण है। तो चलिए उद्देश्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। उद्देश्य इसका यही होता है कि समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना तथा उसमें व्याप्त बीमारियों को पता लगाना। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ही होता है कि समुदाय में स्वास्थ्य, यानी समुदाय एक लोगों का जो है, कहे मोहल्ला कहिए, एक गांव कहिए, उसमें स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। तो उसके स्वास्थ्य के आकलन अगर करना है, उसमें व्याप्त मतलब लोगों के समुदाय में जो बीमारी व्याप्त है उसको पता लगाना है, तो इसका उद्देश्य कम्युनिटी हेल्थ पूरा करता है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ समुदाय में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को पता लगाता है, आकलन करता है, साथ में उसके अंदर जो व्याप्त बीमारी है समुदाय में, उसको भी ये पता लगाता है। तो पहला यही हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया बीमारियों की शुरुआती अवस्था में निदान करना, रोकथाम करना, उपचार व स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु आवश्यक उपाय करना। अभी आप देखे हैं अर्थात वाला में कि यह एक उपचारात्मक, ठीक है, निरोधात्मक, ठीक है, और स्वास्थ्यवर्धक जो है, यह क्या है, सेवाओं का एकीकरण है। तो यह बीमारियों के शुरुआती अवस्था में ही निदान करता है, रोकथाम करता है, उपचार करता है, स्वास्थ्यवर्धक मतलब स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु आवश्यक उपाय करना, यही इसका उद्देश्य है। कम्युनिटी हेल्थ का उद्देश्य है कि जो बीमारी हो उसको शुरुआती अवस्था में ही उसका निदान करना, उसका उपचार करना और उस स्वास्थ्य के अच्छे के लिए जो है आवश्यक उपाय करना, तो ये दूसरा जो है इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए, रटने से कुछ नहीं होता है, जो चीज़ें माइंड में समझिएगा, और ये माइंड में तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को मेरे समझिएगा। ये तो लिखा है, ये तो नोट्स है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ताकि आपको भी कुछ पढ़ने के इसमें से मौका मिले, ठीक है। हवा में अगर बताते रहेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, लेकिन इसमें बताएंगे तो थोड़ा आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ें लिखा हुआ है, तो इसलिए, ठीक है। बाकी हम जो समझाते हैं इससे हटके रहता है, ये मेरे भाषा रहता है, जिसको आप आसानी से समझ के बेहतर कर सकते हैं। और देखते होइएगा एग्जाम में स्पष्ट लिखता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में उतर दे, अपने भाषा में उतर दे, किताब के भाषा में उतर देने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, बस आपको समझ में और जो कॉपी के देखने वाले हैं उनके समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को रटिए मत। बहुत लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, एक दो महीना एग्जाम के रहता है तो रटते हैं, टेंशन लेते हैं, मेरे पढ़ाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, इतना दिन आप कहाँ थे, मैं साल भर मेहनत करके, साल भर लगातार कंटिन्यू वीडियो बना के, हर एक रंग के पीडीएफ देकर, मैं सब चीज़ मेहनत करके रखा, और आप वीडियो को आते नहीं देखते हैं, दो मिनट एक मिनट वीडियो का व्यू जाता है, रियलिटी बताएं तो, समझ गए। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो सीरियस होंगे, जो देखते होंगे, उन्हीं के कारण से दो तीन मिनट व्यू चला जाता है एवरेज, वरना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आते होंगे, ओपन करते होंगे कि आज क्या है, चले जाते होंगे, तो इसे पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा है, पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई ऐसे कंटिन्यूटी में आपको सिलेबस की तैयारी कराए GNM तीनों ईयर का, नहीं मिलेगा, समझ गए, जाके देख लीजिएगा, टॉपिक सब मिल जाएगा, एक वहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, कोई कोई सब बताया है, लेकिन कंटिन्यूटी में कोई नहीं बताएगा। समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु आवश्यक मेडिकल नर्सिंग देखभाल की संगठित रूप से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित करना। कम्युनिटी हेल्थ का ये उद्देश्य होता है कि समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, इसके समाधान करने के लिए जो भी आवश्यक मेडिकल और नर्सिंग देखभाल हो, उसको संगठित रूप से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, इसका कम्युनिटी हेल्थ का एक उद्देश्य होता है। कम्युनिटी हेल्थ का एक अपना उद्देश्य होता है कि जिन भी समुदाय में जिन भी लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है, उनके समाधान के लिए जो भी मेडिकल, जो भी नर्सिंग देखभाल हो, उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, एक कम्युनिटी हेल्थ का उद्देश्य है, ठीक है। चौथा है, समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रोकथाम हेतु आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। कम्युनिटी हेल्थ का ही उद्देश्य होता है कि समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या जो भी होता है,
उसको रोकथाम करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, मतलब कम्युनिटी हेल्थ के जरिए लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है, ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कम्युनिटी हेल्थ के द्वारा होता है, वही उद्देश्य होता है मैंने बता दिया। अब आपको इसको पढ़िएगा एक दो बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दे रखे हैं, इंग्लिश वाले मेरे डियर आप इंग्लिश PDF से ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही ज़बरदस्त है, समुदाय के स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं, ठीक है, जो जिसके आपके ठीक रहने से आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गड़बड़ाने से गड़बड़ हो जाएगा स्वास्थ्य। मीन्स आपको स्वास्थ्य को यह निर्धारित करता है कि किस कंडीशन में क्या होगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और इसमें गड़बड़ी होगा तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ होगा। तो निर्धारक तत्व का मतलब ही होता है कि जो निर्धारण करता हो, जो फैक्टर डालता हो कि हम हैं तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही समुदाय स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व से क्या समझते हैं, यानी समुदाय में जो स्वास्थ्य है उसको कब सही होगा कब गड़बड़ हो जाएगा यह कौन निर्धारित करेगा, तो उन तत्वों के बारे में, उन डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है कि कम्युनिटी हेल्थ में कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य का निर्धारण अनेक तत्व करते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित प्रमुख है। देखिए अब समुदाय में जो भी लोग रहते हैं, जो भी सदस्य रहते हैं, उनके स्वास्थ्य को निर्धारण अनेक तत्व करते हैं। निर्धारण मतलब क्या कि अनेक तत्व होंगे जो जिसके मौजूदगी अगर सही है तो सही होगा, जो गड़बड़ मौजूदगी है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये निर्धारित करने वाला अलग अलग तत्व है। तो चलिए हम इसके तत्वों को देखते हैं। अब आ गया पहला जो कारक है निर्धारित करने वाला समुदाय में स्वास्थ्य को, वो है अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक कैसे निर्धारित करता है, तो व्यक्ति के शारीरिक मानसिक लक्षणों के निर्धारण में अनुवांशिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए अनुवांशिक कारक एक ऐसा कारक होता है जिसमें अगर गड़बड़ी हो जाएगा, जीनेटिक्स अगर ये चीज़ें हैं तो वह आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ठीक है। जैसे देखते होइएगा किसी के एक घर में कोई दादी चाचा कोई अगर पागल है तो उसके कंटिन्यू जो है चलते रहता है माइंड डिस्टर्ब वाला। अगर किसी को फलाना रोग कोई हुआ है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही अनुवांशिक कारक होता है, ठीक है। उसमें माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन्स, यानी जीन्स जो जनन तत्व होते हैं, जो जीन मौजूद होते हैं, का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जीन्स की अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो प्रभाव होता है माता पिता से बच्चे में होता है, ठीक है। माता पिता से बच्चे में ज़्यादा चीज़ें ट्रांसफ़र होता है जीन्स के माध्यम से। तो अगर किसी का मदर या फादर को कोई बीमारी होगा जो अनुवांशिक वाला होगा तो ज़्यादा संभावना उसके किसी न किसी बच्चे को होगा कि उसमें भी ये बीमारी हो सके, ठीक है। तो एक कारण यह अनुवांशिकता का भी होता है, बातें को समझ। जैसे गंजापन मोस्टली व्यक्ति को देखिएगा, नए बच्चे को देखिएगा गंजापन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फैमिली बैकग्राउंड में चाहे उसका दादा हो चाहे उसका पापा हो, कोई ना कोई जो है गंजा रहेगा ही, तभी जाके उसको गंजापन होता है, ठीक है। मोस्टली केस में ऐसे तो किसी को भी हो सकता है, समझ गए। चलिए दूसरा है प्रजाति। प्रजाति कहने का मतलब होता है रेसेज। प्रजाति संबंध कारक भी समुदाय स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग आस्था विश्वास व संस्कृति होते हैं। जैसे देखते होइएगा बहुत सारे प्रजाति होते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग रेसेज प्रजातियाँ होते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रजातियाँ में अलग अलग अपना संस्कृति आस्था विश्वास होता है। ये अलग अलग प्रकार का प्रभाव रखते हैं, जैसे कि विशेष प्रजाति वाले लोगों में एक बीमारी अधिक समान होती है तथा किसी दूसरे प्रजाति में कोई अन्य की बीमारी अधिक पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रजाति भी जो है मैटर रखता है कि एक प्रजाति में कोई और बीमारी का अधिकता है, दूसरे प्रजाति में कोई और बीमारी का अधिकता है। तो और साथ में प्रजाति, उसके रहन सहन और उसके आस्था विश्वास संस्कृति, ये भी जो है आपके तत्व है जो निर्धारित करता है। तो प्रजाति दूसरा तत्व हो गया जो व्यक्ति के उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा है उम्र। उम्र कहा जाए तो उम्र के हिसाब से भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है, स्वास्थ्य को निर्धारित होता है। अब जैसे कोई कम बच्चा, देखिएगा उम्र भी व्यक्ति में बीमारियां होने की संभावना को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है आदमी बीमारी के चपेट में आते जाता है।
शिशुओं में तथा वृद्धों में बीमारी की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं और जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसमें बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं एज मैटर कर रहा है। जबकि वयस्कों में बीमारी के तुलनात्मक कम पाए जाते हैं, जबकि जो एडल्ट होते हैं वयस्क होते हैं उसमें बीमारी संभवतः तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो एज मैटर कर रहा है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि यदि समुदाय में बच्चे तथा वृद्ध अधिक है तो वहाँ बीमारियाँ अधिक पाई जाएगी, जाकि जो कि उस समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को कमज़ोर करती है। तो जाहिर सी बातें हैं, जिस समुदाय में बच्चा वृद्ध और बच्चा का संख्या अधिक होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है कि बीमारी भी अधिक होगा, क्योंकि बच्चा और वृद्ध में ज़्यादा बीमारी होता है। समझ गए? तो एज भी जो है आपके निर्धारित तत्व है जो निर्धारण करता है स्वास्थ्य कैसा होगा समुदाय का। ठीक है, चौथा है पर्यावरण। पर्यावरण का तो भाई महत्वपूर्ण भूमिका है, पर्यावरण समुदाय स्वास्थ्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है। आपके समुदाय में या आपके स्वास्थ्य पर पर्यावरण का कितना असर पड़ता है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है, बातों को समझिएगा। ओके, अब पर्यावरण कैसे आपको जो है प्रभावित करेगा, तो देखिए, चाहे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, आसपास के गंदगी हो गया, स्वच्छता हो गया, यह सब पर्यावरण को प्रभावित करेगा। और जब पर्यावरण भाई प्रभावित होगा तो आपके स्वास्थ्य को भी तो प्रभावित करेगा। ठीक है ना, तो ज़्यादातर तो बीमारी आजकल वायु प्रदूषण से ही, जल प्रदूषण से ही, यही सबसे हो रहा है। तो ये पर्यावरण को स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, और यह निर्धारित करेगा आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा पर्यावरण। ठीक है, पांचवा है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। आपका जीवन शैली लाइफ स्टाइल कैसा है, व्यक्ति की जीवन शैली स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली होती है। आप जैसा अपने लाइफ स्टाइल को रखेंगे वैसा ही आपका स्वास्थ्य रहेगा। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उत्तरोत्तर प्रगति में सहायता होता है। जीवन शैली आपके हर एक तरीका से आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, आपके स्वास्थ्य को प्रगति में सहायता होता है। ठीक है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे मानसिक या शारीरिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, सब में यह बढ़ावा देता है आपके जीवन शैली। जीवन शैली में व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, शिक्षा आदि शामिल होते हैं। अब मानिए किसी को खान पान गड़बड़ है, रहन सहन गड़बड़ है, शिक्षा गड़बड़ है, तो इन सबसे भी बीमार पड़ता है व्यक्ति, अस्वस्थ हो जाएगा। तो जीवन शैली भी डिटर्मिनेंट है, निर्धारक तत्व है आपके स्वास्थ्य को, कि अगर आप बेहतर जीवन शैली रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जहाँ आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ाएगा आपका जो तत्व है वह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा। ओके, छठा है हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस कहने का मतलब है कि समुदाय में जो भी प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवा है मानव जीवन के स्तर को प्रभावित करती है। समुदाय में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं यदि आवश्यकता अनुसार भुगतान करने योग्य, पर्याप्त, आधुनिक तकनीक से युक्त हो तो यह स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। किंतु इसके विपरीत यदि स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त, महंगी, आधुनिक तकनीक वाली न हो तो यह स्वास्थ्य के स्तर को गिरा देती है। अब स्वास्थ्य सेवाएं कैसे निर्धारक तत्व होता है, तो स्वास्थ्य तत्व इसलिए निर्धारक तत्व होता है कि मान गए किसी व्यक्ति के पास कम है, वह गरीब आदमी है। ठीक है, गरीब आदमी है, मान गए समुदाय में कोई क्लिनिक खोल के रखा है। ठीक है, वो गरीब आदमी है, उस वो इतना एफर्ट नहीं कर पा रहा है कि वह जो है डॉक्टर का बहुत ज़्यादा फी है उसको भर पाए, तो ज़्यादा महंगाई होगा तो वह व्यक्ति भले ही मर जाएगा लेकिन वो इलाज नहीं करवा पाएगा पैसा के अभाव में। तो समुदाय में जो स्वास्थ्य सेवा है ऐसा होना चाहिए जो सब लोग उसे ले सके, सब लोग उसका आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सके, सब लोग भुगतान कर सके, पर्याप्त होना चाहिए, आधुनिक तकनीक वाला होना चाहिए जो कि सब लोग उपयोग करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आधुनिक तकनीक वाला नहीं होगा, महंगी होगा, आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा तो यह स्वास्थ्य स्तर को गिरा भी देगा, यानी यह निर्धारित करेगा हेल्थ सर्विस कि आपका स्वास्थ्य स्तर कैसा रहता है। ठीक है, आगे चले, चलिए सातवां में है कुछ अन्य निर्धारक तत्व है। ठीक है, कुछ अन्य निर्धारक तत्व है जो निर्धारित करता है स्वास्थ्य को। यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर सही नहीं है तो उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मान गए एक व्यक्ति अगर शिक्षा में कमी है तो ये चीज़ को नहीं जान पाएगा कि क्या खाने से, क्या पीने से, कैसे रहने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो अच्छा भोजन नहीं करेगा, अच्छे से रहेगा नहीं। ठीक है, अच्छे मकान में नहीं रहेगा, अच्छे जगह पर नहीं रहेगा तो उसको बीमारी पकड़ेगा। ठीक है,
तो यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति शिक्षा का स्तर सही नहीं है तो यह उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अन्य निर्धारक तत्व क्या आ जाएगा, आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर। ओके, यदि पोषण अर्थात आहार अगर असंतुलित है तो उससे स्वास्थ्य स्तर बेहतर रहता है, ठीक है, सॉरी संतुलित है तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर और पोषण यानी आहार, यह तीनों भी जो है अन्य निर्धारक तत्व में है, यह तीनों भी आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा या गड़बड़ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 7 पॉइंट आपको पढ़ा दिया, अब आपका काम है इसको एक बार अच्छे से देखना, समझना, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है, आप इंग्लिश में चाहें तो आप इसको इंग्लिश में अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपको क्यूरीज था मैंने यहाँ पे करा दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, स्वास्थ्य का वर्गीकरण। मैंने आपको हेल्थ के बारे में पढ़ा दिया है, हेल्थ का डिफिनीशन वाला में ही पढ़ा दिया है कि हेल्थ क्या होता है। तो स्वास्थ्य वो होता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, न कि केवल सिर्फ और सिर्फ शरीर की स्वस्थ ही हो जाने से स्वास्थ्य हो जाता है। तो WHO को यही कहना है कि स्वास्थ्य का तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, स्वास्थ्य का मतलब होता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से जो है स्वस्थ होना, ठीक है। तो स्वास्थ्य हो गया। अब यहाँ पे स्वास्थ्य को बंटवारा किया गया है कि स्वास्थ्य कैसे कितने प्रकार में बांटा गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है स्वास्थ्य को, हेल्थ को, ठीक है। पहला है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, ठीक है, शारीरिक या भौतिक हेल्थ। पहला होता है शारीरिक हेल्थ, जिसमें आपका शरीर के हर एक अंग कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, शरीर के अंग प्रभावित है, फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, व्यक्ति जो है बैठा रह जाएगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य को समझना सबसे आसान है। इसका आशय है कि शरीर के विभिन्न अंग एवं तंतु शरीर में परस्पर रूप पूर्ण सामंजस्य रखते हुए अपनी अपेक्षित क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि आपका बॉडी और आपके बॉडी में जो हार्मोन है, जो तंतु, जो तत्व है, वह रासायनिक हो, वो सारे मिलकर अच्छे से, चाहे वो एनाटोमिकल हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है, चाहे एनाटोमिकल हो चाहे वो फिजियोलॉजी हो, यानी शरीर का रचना हो अंगों का, या शरीर के अंदर जो तत्व है, जो पदार्थ है, वो सब आपस में मिलकर कैसे काम कर रहा है, यही बताता है आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, ठीक है। साफ सुथरी त्वचा, चमकदार आंखें, कांतिमय बाल, संतुलित संगठित शरीर, पर्याप्त भूख लगना, मलाशय मूत्र का नियमित रूप से कार्य करना, यह शरीर में स्वास्थ्य को बताता है, ठीक है, और बॉडी को स्वस्थ रूप से सम्मिलित होता है। अगर इन सब चीज़ें हैं तो आपका बॉडी संतुलित रहता है। ओके, आगे चले। तो यह शारीरिक स्वास्थ्य हो गया। मानसिक स्वास्थ्य कहने का मतलब होता है कि मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है मनुष्य का बाहरी दुनिया से सही तालमेल, अर्थात परिस्थितियों जिनमें मनुष्य स्वयं के और अपने आसपास के लोगों तथा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर कर पाता है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ, एक होता है मेंटल इलनेस, मेंटल मानसिक बीमारी, और ये है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, मेंटल हेल्थ जो होता है, उसका मतलब होता है कि मनुष्य अपने बाहरी दुनिया से तालमेल, सामंजस्य, परिस्थितियों, किस परिस्थिति में वह सामंजस्य बैठा लेता है, वह अपने निगेटिव प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आसपास के लोगों से, वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। यानी सीधा कहा जाए तो कितना भी कठिन उसके सामने चीज़ें आ जाए, वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, ढाल लेता है, समझ लेता है, तो वही मेंटल हेल्थ होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, समझ गए। जो नहीं ढाल पाएगा वह मानसिक अस्वस्थ हो जाएगा। एंड इसी में तीसरा आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है, समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करना, समाज में अपनी पहचान बनाना, समाज में प्रेम पूर्वक तथा सही तालमेल के साथ रहना, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के चरण है। देखिए, लोग देखते होइएगा कि समाज में अलग अलग लोग होते हैं, जो समाज से बिछड़े होते हैं उसको समाज बहुत गाली देता है, बहुत उसको दुर्व्यवहार करता है, ठीक है ना, और वह समाज से तालमेल नहीं रख पाता है। लेकिन एक सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ भी ज़रूरी है। सोशल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, तो सोशल हेल्थ से आपको एक अच्छी पहचान मिलता है, समाज में प्रेम बढ़ता है, सही तालमेल बैठता है, ठीक है, आपका एक अलग पहचान बनेगा, और यह सब एक स्वस्थ समाज के निर्माण के बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
सामाजिक स्वास्थ्य में मनुष्य अपने और अपने परिवार की सुख सुविधाओं को जुटाकर शांतिपूर्ण वातावरण में रहता है तथा अन्य के लिए भी ऐसे वातावरण की कामना करता है। एक अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति अपने लिए तो सोचता ही है, साथ में अपने परिवार के लिए, साथ में अपने समाज के लिए भी अच्छे वातावरण की कामना करता है। ठीक है, यही जो है अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य का एक संकेत होता है। बातें को समझ गए? तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बता दिया। टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, आप हिंदी इंग्लिश जो में भी चाहें आप अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे और nursinggyan.com पर यह PDF मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।